तो बाज लोग ये मसला खड़ा किए हैं इस वक्त, कितने बाज लोग जो कि दीन के इल्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी मुश्किल यही हो गई ना, इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद आलिम साहब बन जाते हैं, डॉक्टरी करते हैं उसके बाद आलिम साहब बन जाते हैं, और इस तरह की कोई और तालीम साइंटिस्ट होते हैं उसके बाद आलिम साहब बन जाते हैं। तो फिर जो एक आदमी पूरा इल्म सीखता है, जिस तरह उन्होंने वो इजाजत नहीं देते कि एक आलिम आके डॉक्टरी करने लगे, एक आलिम आके इंजीनियरिंग करने लगे, उसको इजाजत नहीं देते, तो आलिम की तरफ से कैसे उम्मीद रखते हैं कि इजाजत दे दे कि वो डॉक्टरी करके आके आलिम बनने लगे, है ना, दोनों तरफ से मसला है। तो इसलिए ऐसे लोग इस तरह का मसला पैदा करते हैं क्योंकि वो दीन को पूरी तरह नहीं समझते, एक लफ्ज मिला उसकी शुरू कर दी। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको समझना हमें जरूरी है कि पूरे सहाबा इकराम को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी एक नस्ल तैयार करके गए थे जो कि दीन को जानते और समझते थे, और उस नस्ल के बारे में हमारा ईमान है सहाबा इकराम के बारे में, रज़ियल्लाहु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हालत ईमान में और हालत ईमान में वफात हुई, तो वो भी सहाबी हैं, देखना जरूरी नहीं है।